दोस्तों आज के वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं क्लाउड किचन के बारे में। देखिए जब से ये ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स आए हैं जैसे कि जोमेटो हो गया, स्विगी हो गया, तब से रेस्टोरेंट ओपन करना बहुत ही ज्यादा आसान हो गया है। देखिए पहले क्या होता था, अगर किसी को भी रेस्टोरेंट ओपन करना होता था तो एक प्राइम लोकेशन में जगह लेनी पड़ती थी, उसके बाद में किचन सेटअप करना पड़ता था, बैठने के लिए जगह बनानी पड़ती थी, फिर जो कस्टमर्स आते थे उनको खाना बनाकर सर्व करना पड़ता था और ये सारे तामझाम में अच्छा खासा पैसा खर्चा हो जाता था। लेकिन जब से जोमेटो, स्विगी या जो दूसरे फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स आए हैं तब से रेस्टोरेंट ओपन करना बहुत ही आसान हो गया है। आज के टाइम में कोई भी अपना क्लाउड किचन ओपन कर सकता है और क्लाउड किचन ओपन करने के लिए कोई प्राइम लोकेशन की जगह नहीं चाहिए। आप किसी भी सस्ती सी जगह में अपना किचन सेटअप कर सकते हैं और वहां पे अच्छी क्वालिटी का सामान बनाकर कस्टमर्स को सर्व कर सकते हैं इन ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स के थ्रू और अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। अब देखिए दोस्तों आज के टाइम में बहुत सारे लोगों को ऐसा भी लगता है कि क्लाउड किचन ओपन करने के लिए ज्यादा पैसे खर्च नहीं होते हैं, मुश्किल से 1 या 1.5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट लगता है। तो आज के वीडियो के अंदर हम यही बात करने वाले हैं कि क्या सच में क्लाउड किचन ओपन करने के लिए 1 या 1.5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट लगता है, अगर नहीं तो कितना लगता है। इसके अलावा मान लीजिए अगर कोई क्लाउड किचन ओपन करता है तो उसको किसी भी प्रकार का सॉफ्टवेयर या सिस्टम बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, अगर करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए और नहीं करना चाहिए तो क्यों नहीं करना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो क्लाउड किचन तो ओपन कर लेते हैं और उनके क्लाउड किचन में उनको अच्छी खासी सेल भी आने लग जाती है लेकिन फिर भी वो प्रॉफिटेबली रन नहीं कर पाते। अब प्रॉफिटेबली रन क्यों नहीं कर पाते, इसके पीछे मेन कारण क्या होते हैं, उसके बारे में भी इसी वीडियो के अंदर डिटेल में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आप कोई ऐसे इंसान है जो घर बैठे बैठे कुछ काम शुरू करना चाहते हैं, जैसे कि अगर आप हाउसवाइफ हैं या फिर आपको खाना बहुत अच्छे से बनाना आता है और आप अपना खुद का रेस्टोरेंट ओपन करना चाह रहे हैं कम से कम बजट में, तो आज का वीडियो आपके लिए। या फिर अगर आप क्लाउड किचन ओपन करके अच्छे खासे पैसे कमाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके बहुत ही ज्यादा काम का होने वाला है। तो जानने के लिए वीडियो को देखते रहिए और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाजू में जो बेल आइकन उसे भी दबा दें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। हे दोस्तों मेरा नाम है रजनीकांत शर्मा और आप देख रहे हैं कमाओ और कमाने दो यूट्यूब चैनल। देखिए दोस्तों आज से कुछ दिन पहले मैं अपने फ्रेंड के क्लाउड किचन में गया था और वहां जाके मैंने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन गैदर की और वही इन्फॉर्मेशन आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। देखिए अगर आपको क्लाउड किचन ओपन करना है तो आपको किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी, चलिए उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों सबसे पहले तो आपको जरूरत पड़ने वाली है एक जगह की जहां पे आप अपना क्लाउड किचन ओपन करेंगे। तो जैसे कि मैंने कहा कि आपको प्राइम लोकेशन में जगह लेने की जरूरत नहीं है, आप किसी ऐसे लोकेशन में जगह ले सकते हैं जहां पे रेंट कम हो और साथ ही साथ में जगह बड़ी हो। देखिए अगर जगह आपकी खुद की है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप रेंट पे लेंगे तो वहां पे भी काम चल जाएगा। अब मैं मान के चलता हूं कि आपने लगभग 15,000 रुपए रेंट वाली जगह ली है तो उसका डिपॉजिट भी आपको पे करना पड़ेगा, तो डिपॉजिट कम से कम 50,000 से 60,000 रुपए तो होने वाला ही है। तो यहां पे मैं 60,000 रुपए पकड़ लेता हूं, तो स्पेस का आपका खर्चा आने वाला है इनिशियली 60,000 रुपए। अब बात कर लेते हैं कौन से इक्विपमेंट की जरूरत पड़ेगी। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको स्टेनलेस स्टील का काउंटर परचेस करना पड़ेगा और मैं आपको बता दूं ये जो काउंटर्स होते हैं इनके अंदर नीचे की तरफ सेल्फ होती है तो वहां पे आप सामान रख सकते हैं और ऊपर की तरफ जो भी आपके शेफ होंगे या जो हेल्पर होंगे वो वेजिटेबल्स को चॉप कर सकते हैं, जो भी प्रिपरेशन उनको तैयार करनी है वहां पे वो प्रिपरेशन तैयार कर सकते हैं। ये जो होता है वो मार्केट में आपको मिल जाएगा लगभग 20,000 रुपए से लेकर 30,000 रुपए के बीच में। उसके बाद में दोस्तों आपको जरूरत पड़ने वाली है स्टेनलेस स्टील के कुकिंग काउंटर की और मैं आपको बता दूं ये कुकिंग काउंटर अलग अलग प्रकार के आते हैं। अगर आपको चाहिए तो आप सिंगल गैस वाला ले सकते हैं, डबल गैस वाला ले सकते हैं, ट्रिपल गैस वाला ले सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको सजेस्ट करूंगा आपको ट्रिपल गैस वाला लेना चाहिए जिसके अंदर आप एक टाइम में ज्यादा सामान बना पाओ और ये आपको मार्केट में मिल जाएगा लगभग 20,000 रुपए के आसपास। उसके बाद में दोस्तों आपका जो क्लाउड किचन है उसके अंदर आपको कमर्शियल एग्जॉस्ट हुड भी लगाना पड़ेगा और ये जो होता है ये पर स्क्वायर फुट के हिसाब से लगता है, तो कहीं कहीं पे इसका प्राइस होता है 800 रुपए के आसपास, कहीं कहीं पे होता है 1,000 रुपए के आसपास और कहीं कहीं पे होता है 1,200 रुपए के आसपास। तो आप यूं मान के चलिए 1,000-1,200 रुपए के आसपास ये आपका लग जाएगा। तो अगर जहां कहीं भी आप क्लाउड किचन ओपन करने वाले हैं वहां पे अगर 10 स्क्वायर फुट से लेकर 20 स्क्वायर फुट की जगह होगी तो आप खुद कैलकुलेशन कर सकते हैं, पर आप मान के चलिए लगभग 20,000 रुपए आपका इसके अंदर चला जाएगा। उसके बाद में दोस्तों आपके पास जो भी वेजिटेबल्स है जो भी चीजें हैं उनको लंबे समय तक स्टोर करने के लिए आपको फ्रिज की जरूरत पड़ने वाली है और अगर आप एक अच्छा वाला फ्रिज लेते हैं जिसके अंदर ज्यादा चीजों को स्टोर कर सके तो आपका कम से कम 30,000 रुपए उसमें खर्चा होने वाला है। उसके बाद में दोस्तों मान लीजिए अगर आप ऐसे फूड सर्व करते हैं जिसके अंदर फ्रोजन फूड्स होते हैं जिनको आप पहले फ्राई करते हैं और उसके बाद में कस्टमर्स को सर्व करते हैं तो उस केस में आपको डीप फ्रीजर की भी जरूरत पड़ेगी। जैसे मान लीजिए अगर आप फ्रेंच फ्राइज या फिर स्माइलीज वो सबको फ्राई करके कस्टमर्स को सर्व करते हैं तो डीप फ्रीजर की जरूरत पड़ेगी, इनकेस अगर आप नहीं करते तो डीप फ्रीजर की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। उसके बाद में दोस्तों आपको जरूरत पड़ने वाली है ओवन की।
होगी। देखिए अगर आप पिज्जा बनाकर बेचते हैं और ऐसी चीजें बनाकर बेचते हैं जो ओवन में ही बनती है, तो उस केस में आपको ओवन भी खरीदना पड़ेगा और ओवन जो होता है वो मार्केट में आपको आसानी से मिल जाएगा लगभग 20,000 रुपए के आसपास। उसके बाद में दोस्तों आपका जो क्लाउड किचन है उसके अंदर सामान रखने के लिए आपको रेक बनाने पड़ेंगे, और अगर आप आयरन वाला रेक बनाने जाएंगे तो वो बहुत ज्यादा कॉस्टली होता नहीं है, लगभग 5,000 रुपए के अंदर आपके रेक आसानी से बनकर तैयार हो जाएंगे। उसके बाद में दोस्तों आपको जरूरत पड़ने वाली नाइफ, चॉपर, पैन, यूटेंसिल्स की, तो मैं मान के चलता हूं कि जो सारी चीजें होंगी लगभग 20,000 रुपए में आपकी आ जाएंगी, जिसके अंदर कढ़ाई भी आ गई, चम्मच भी आ गई और जो भी चीजें होती है वो सारी की सारी उसी के अंदर आ जाएगी। उसके बाद में दोस्तों जो मसाले होते हैं उनको रखने के लिए आपको डब्बे वगैरह लेने पड़ेंगे, तो इसका कॉस्टिंग आपका मैक्सिमम जो आने वाला है 4,000 से 5,000 रुपया। और साथ ही साथ में आपका जो क्लाउड किचन होगा उसके अंदर आपको फायर एक्सटिंग्विश भी रखना होगा, ये आपको मार्केट में मिल जाएगा 6,000 रुपए से लेकर 10,000 रुपए के बीच में। तो दोस्तों ये जो टोटल कॉस्टिंग मैंने आपको बताया है डिपॉजिट को हटाकर, ये आपका लगभग आएगा 1,75,000 रुपए से लेकर 1,85,000 रुपया। अब दोस्तों मान लीजिए आपने क्लाउड किचन शुरू किया तो इनिशियली आपके पास जो रॉ मटेरियल है कम से कम 15-20,000 रुपए का तो होगा ही होगा, तो आप यूं समझ के चलिए कि क्लाउड किचन को सेटअप करने के लिए आपका जो कॉस्टिंग आएगा वो होगा 2,00,000 रुपया प्लस 60,000 रुपया डिपॉजिट, तो हो गया 2,60,000 रुपया। उसके बाद में दोस्तों क्लाउड किचन तो सेटअप हो गया, लेकिन रेगुलर बेसिस पे सामान खरीदने के लिए और आपके साथ जो लोग काम कर रहे हैं उनको सैलरी देने के लिए और आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करने के लिए, रेंट पे करने के लिए आपके पास और भी पैसे होने चाहिए। अब वो कितने पैसे होने चाहिए चलिए उसका कैलकुलेशन भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए मान लीजिए आपने ऐसी जगह ली है जहां पर रेंट है 15,000 रुपया और उसके बाद में आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल और मेंटेनेंस का मैं पकड़ लेता हूं 15,000 रुपया, टोटल हो गया 30,000 रुपया। उसके बाद में आपके क्लाउड किचन में टोटल 3 लोग काम कर रहे हैं, एक शेफ हो गया, 2 हेल्पर हो गए, तो शेफ की सैलरी में पकड़ लेता हूं 20,000 रुपया, हेल्पर का मैं पकड़ लेता हूं 10,000 रुपया, टोटल हो जाएगा 40,000 रुपया। तो पहले का 30 और ये 40 टोटल हो गया 70,000 रुपया। उसके बाद में दोस्तों आपको रॉ मटेरियल खरीदने के लिए भी पैसे की जरूरत पड़ने वाली है, तो इसका एक सिंपल सा रूल है। जैसे मान लीजिए कि आपके क्लाउड किचन में आप 4,00,000 रुपए का सेल करना चाहते हैं मंथली, तो उस केस में आपके पास 20% अमाउंट तो रहना ही चाहिए, जैसे 80,000 रुपए तो आपके पास रॉ मटेरियल के लिए एनी टाइम रहने ही चाहिए, तो आप यूं समझ लीजिए 70,000 रुपया प्लस 80,000 रुपया हो जाएगा 1,50,000 रुपया। तो दोस्तों अगर आप क्लाउड किचन ओपन करना चाहते हैं तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आप मान लीजिए 2,60,000 रुपए जो आ रहा था उसको आप 3,00,000 पकड़ लीजिए और यहां पर 1,50,000 रुपया, 4,50,000 रुपए आपके पास होंगे, तो आप एक बेसिक लेवल का क्लाउड किचन ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आप अपने क्लाउड किचन में और इक्विपमेंट खरीदते हैं तो आपका कॉस्टिंग और भी बढ़ जाएगा, लेकिन अगर आपको इनिशियल लेवल पे शुरू करना है तो आपके पास कम से कम 4,50,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए क्लाउड किचन को ओपन करने के लिए। दोस्तों अगर आप चाहें तो इस इन्वेस्टमेंट को थोड़ा और कम कर सकते हैं, जो भी इक्विपमेंट मैंने आपको बताया अगर वो सेकंड हैंड में आपको मिल जाते हैं, आप OLX में देख सकते हैं, क्विकर में देख सकते हैं, वहां पे अगर आपको कम प्राइस में मिल जाते हैं तो आपका पैसा थोड़ा कम हो जाएगा, लेकिन अगर आप सारे इक्विपमेंट नए खरीदने जाएंगे तो 4,50,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट जाने वाला है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं कि अगर कोई भी नया आदमी क्लाउड किचन ओपन करता है तो उसको सॉफ्टवेयर बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और अगर करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए और नहीं करना चाहिए तो क्यों नहीं करना चाहिए। देखिए सॉफ्टवेयर बाय करने के अपने बहुत सारे फायदे भी होते हैं, बहुत सारे लिमिटेशंस भी होती है, तो सबसे पहले मैं आपको फायदों के बारे में बता देता हूं। देखिए अगर आपने सॉफ्टवेयर बाय किया तो आपको सबसे बड़ा फायदा क्या होगा कि ये जितने भी ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स हैं इनको आप एक ही सॉफ्टवेयर के अंदर इंटीग्रेट कर पाओगे, जैसे Zomato है, स्विगी है, तो इनके जो भी ऑर्डर्स होंगे आप एक ही पैनल के अंदर वो सारे के सारे ऑर्डर्स देख पाओगे और वहीं से ही सारी चीजों को मैनेज कर पाओगे। इसके अलावा दोस्तों ये जो सॉफ्टवेयर होते हैं ये आपको अलग अलग प्रकार के फीचर्स प्रोवाइड करते हैं, जैसे इनकी मदद से आप इन्वेंट्री को मैनेज कर सकते हो, इनकी मदद से आप सेल्स को मैनेज कर सकते हो और भी बहुत सारी चीजें कर सकते हो, लेकिन इन सॉफ्टवेयर के अंदर सबसे पहले आपको अपना डेटा डालना होगा, उसके बाद में ही आपको मैनेजमेंट में हेल्प कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर आप इन्वेंट्री मैनेज करना चाहते हैं तो कितना सामान आप लेकर आ रहे हैं वो सबसे पहले आपको उसके अंदर डालना होगा, और एक पर्टिकुलर रेसिपी बनाने के लिए कौन सी चीज कितनी मात्रा में यूज होती है ये डालना होगा, तो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेगा कि आपने जितने ऑर्डर प्रोसेस किए उसमें कितनी इन्वेंट्री आपकी बाकी है और कितनी खर्च हो चुकी है, तो उसके हिसाब से आपको पता चल जाता है कि कब आपको इन्वेंट्री बाय करनी है कब नहीं करनी है। इसके अलावा आप एक ही पैनल में अपने सारे सेल्स देख सकते हो कि आपको स्विगी में कितना सेल आया, Zomato में कितना सेल आया, सारी चीजें एक जगह से मैनेज कर पाओगे। तो दोस्तों ये तो हो गए एडवांटेजेस। अगर मैं लिमिटेशंस की बात करूं तो लिमिटेशन क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आप स्विगी में भी रजिस्टर्ड है, Zomato में भी रजिस्टर्ड है, तो स्विगी और Zomato आपको खुद के पैनल देते हैं, तो जब भी ऑर्डर आता है सबसे पहले उनके पैनल में दिखाई देता है, और अगर आप कोई सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो तो उसमें रिफ्लेक्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है। अब दोस्तों इसका डिसएडवांटेज क्या होगा, जैसे मान लीजिए कोई कस्टमर ऐसा है कि ठीक है उसने ऑर्डर प्लेस कर दिया, वो वेट कर रहा है कि रेस्टोरेंट ने ऑर्डर एक्सेप्ट किया या नहीं किया, थोड़ा वेट कर सकता है, लेकिन कुछ कुछ कस्टमर्स ऐसे होते हैं जो बहुत ही इंपेशेंस होते हैं, वो देखते हैं कि जो रेस्टोरेंट है वो अभी तक ऑर्डर एक्सेप्ट नहीं कर रहा है तो ऑर्डर को कैंसिल कर देते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आप नए हैं और आपको ऑर्डर कैंसिलेशन नहीं चाहिए तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, आप सॉफ्टवेयर बाय मत कीजिए, इनिशियली आप जो स्विगी का या फिर Zomato का जो सॉफ्टवेयर होता है उसी को यूज कर सकते हैं और उसी से सारी चीजें मैनेज कर सकते हैं। यहां पे मैं आपको एक चीज सजेशन देना चाहूंगा, आप मोबाइल के अंदर उनके सॉफ्टवेयर को मैनेज ना करें, एक लैपटॉप
बाय कर लीजिए, उसके अंदर सारी चीजों को करना बहुत ही आसान हो जाएगा। मेरा जो फ्रेंड है वो भी लैपटॉप के अंदर ही सारी चीजों को करता है। इसके अलावा दोस्तों एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, अगर आप अपने क्लाउड किचन से कोई भी एक ब्रांड चला रहे हैं तो आप जोमेटो स्विगी के सॉफ्टवेयर से काम चला सकते हैं, लेकिन अगर आप मल्टीपल ब्रांड्स चला रहे हैं तो मेरा सजेशन होगा आपको कोई भी सॉफ्टवेयर ले लेना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर सारी चीजों को मैनेज करना बहुत ही आसान हो जाएगा। जैसे इस पर्टिकुलर ब्रांड में आपको कितना सेल आया, उस पर्टिकुलर ब्रांड में कितना सेल आया, और एक ही जगह पे आपको सारी चीजें दिखाई देगी, तो ये आपको बहुत ज्यादा एडवांटेज हो जाएगा। इसके अलावा मान लीजिए अगर आप सॉफ्टवेयर बाय करते हैं तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, अपने लैपटॉप के साथ एक बड़ी सी स्क्रीन के अंदर कनेक्शन दे सकते हैं, तो आपके जितने भी एम्प्लॉयज होंगे उनको भी दिखाई देगा कि कौन से प्लेटफॉर्म से कितने ऑर्डर्स आए हुए हैं, कितने प्रिपरेशन में है, सारी डिटेल उनको एक स्क्रीन के ऊपर दिखाई देगी। तो अगर आप सॉफ्टवेयर बाय करेंगे तो ये एडवांटेज होगा। और डिसएडवांटेज मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि जो ऑर्डर है सॉफ्टवेयर के अंदर थोड़ा लेट रिफ्लेक्ट होता है, तो अगर आपको ऑर्डर कैंसिलेशन नहीं चाहिए तो जो भी फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म है उनके सॉफ्टवेयर को आपको यूज करना चाहिए। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं कि जो लोग भी क्लाउड किचन ओपन करते हैं तो उसमें से ज्यादातर लोग फेल क्यों हो जाते हैं। देखिए इसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि क्लाउड किचन ओपन करना बहुत आसान है, उसमें कम इन्वेस्टमेंट लगता है, लेकिन इन्वेस्टमेंट मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। अगर आपके दिमाग में भी था कि 1-2 लाख रुपए में शुरू हो जाता है तो नहीं होगा, कम से कम आपके पास 4 से 4.5 लाख रुपए होने चाहिए, तब आप इसको ढंग से कर पाएंगे। उससे कम होगा तो आप अच्छे से बिजनेस को नहीं कर पाएंगे। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कम बजट के साथ इस बिजनेस में आते हैं, फिर वो अच्छे से मैनेज नहीं कर पाते और अल्टीमेटली फेल हो जाते हैं। दूसरा कारण है वो प्रॉपरली मैन मैनेजमेंट नहीं कर पाते। देखिए क्लाउड किचन ओपन कर लिया, उसमें 2-3-4 लोगों को रख लिया, जितना काम है नहीं उससे ज्यादा एम्प्लॉयज को रखा हुआ है, तो जितना भी प्रॉफिट आ रहा है वो सारा का सारा सैलरी में जा रहा है, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है। इसके अलावा मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, अगर आप क्लाउड किचन ओपन कर रहे हैं और आप खुद शेफ हैं या फिर खुद खाना बनाने वाले हैं तो आपको डेफिनेटली प्रॉफिट होगा ही होगा, लेकिन अगर आप शेफ को हायर करेंगे तो आपका जो प्रॉफिट है उसमें से एक बड़ा हिस्सा आपको शेफ को देना पड़ेगा, क्योंकि शेफ की सैलरी कम से कम 18 से 20 हज़ार रुपये तो होने वाली है, इससे ऊपर ही आपको मिलेगा, इससे कम तो आपको शेफ मिलने वाला नहीं है। हेल्पर आपको एक बार 10-12 हज़ार रुपये मिल जाएगा, लेकिन शेफ के लिए आपको अच्छा खासा पे करना पड़ेगा। तो दोस्तों अगर आप क्लाउड किचन ओपन करने की सोच रहे हैं तो सबसे पहले आपको ये फाइंड आउट करना होगा कि क्लाउड किचन के अंदर खाना कौन बनाने वाला है। अगर शेफ बनाने वाला है तो ऐसा शेफ होना चाहिए जो भरोसेमंद हो, लंबे समय तक आपके साथ काम करे, क्योंकि अगर शेफ छोड़ के चला गया तो एक केस ये भी हो सकता है कि आपका क्लाउड किचन बंद हो जाए, और साथ ही साथ में अगर उसको समझ में आ गया कि पूरा का पूरा क्लाउड किचन उसी की वजह से चल रहा है तो वो एनी टाइम आपसे ज्यादा पैसे मांग सकता है और वो पैसे आपके प्रॉफिट में से ही जाने वाले हैं। सो दोस्तों इस चीज को आपको फाइंड आउट करना होगा। ये भी एक बहुत बड़ा रीजन होता है कि लोग मैन मैनेजमेंट नहीं कर पाते, जो काम 2 लोगों से निकाला जा सकता है उसकी जगह पे 3 या 4 लोग रख लेते हैं, जिसकी वजह से उनको लॉस उठाना पड़ता है। तीसरा कारण है प्रॉपर कैलकुलेशन ना करना। देखिए दोस्तों फूड बिजनेस के अंदर आपको जो प्रॉफिट मार्जिन होता है वो कम से कम 50% का तो होता ही है, और ये जो ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स होते हैं यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा प्राइस रख नहीं सकते, क्योंकि कंपटीशन इतना ज़्यादा होता है कि प्राइस अगर आपने बहुत रखी तो कस्टमर की तरफ से आपको ऑर्डर ही नहीं मिलेंगे, तो प्राइस भी आपको कॉम्पिटिटिव रखनी पड़ती है और आपका जो प्रॉफिट मार्जिन होता है वो भी बहुत ज़्यादा होता नहीं है। तो मैं मान के चलता हूँ आपका प्रॉफिट मार्जिन लगभग 50% के आसपास होता है, उसमें से फिर आपको फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म को भी देना पड़ता है, तो मैं मान के चलता हूँ 20% उसमें चला गया तो आपके पास बचता है 30%। अब ये जो 30% का प्रॉफिट मार्जिन है इसमें आपको इस तरीके से कैलकुलेशन करना है कि रेंट भी पे करना है, साथ ही साथ में इलेक्ट्रिसिटी बिल भी पे करना है, जो आपके साथ काम कर रहे हैं उनको सैलरी भी देनी है, और उसके बाद में जो पैसा बचेगा वो आपका प्रॉफिट होने वाला है। अब दोस्तों बहुत सारे लोग यहीं पे गलती करते हैं, जो भी पैसा बचता है उनको लगता है ये हमारा प्रॉफिट हो गया, लेकिन फूड के अंदर क्या होता है, जैसे मान लीजिए कुछ चीजें खराब हो गई तो वो भी आपके प्रॉफिट में से कम हो जाता है, तो लोग प्रॉपरली कैलकुलेशन नहीं कर पाते जिसकी वजह से उनको अल्टीमेटली महीने के एंड में नुकसान होता है। तो दोस्तों अगर आप भी क्लाउड किचन ओपन करना चाह रहे हैं तो मेरा सजेशन यही होगा कि आपको पूरा प्रॉपर कैलकुलेशन करना चाहिए कि कोई भी डिश अगर आप बेच रहे हैं तो उसको बनाने का कॉस्ट कितना पड़ता है और कितना आपका प्रॉफिट मार्जिन होता है, सारा कैलकुलेशन कीजिए, आपको डेफिनेटली प्रॉफिट होगा। तो दोस्तों क्लाउड किचन से रिलेटेड मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन मैंने आज के वीडियो के अंदर आपको देने की कोशिश की है। इसके अलावा अगर आपको कोई और डाउट है क्लाउड किचन से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं, उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा और आप उस वीडियो को देख पाएंगे, लेकिन उस वीडियो को आप तभी देख पाएंगे जब आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स फैमिली मेंबर और जान पहचान वालों को शेयर कर सकते हैं ताकि उनको भी क्लाउड किचन के बारे में यह इंफॉर्मेशन मिल सके। अगर आप चाहें तो हमको इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, हमारा इंस्टा आईडी यहां पर लिखा हुआ है, आप जाके टाइप कीजिए, हमें फॉलो कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए कमाने के तरीकों के साथ।